बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के जो साइंस ग्रुप का मैथ होता है उसके ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में। और ये वो वाला मॉडल पेपर है जो कि 2024 में फैसलाबाद बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। इसमें आपको आएंगे टोटल 15 MCQs और टाइम आपके पास होगा 20 मिनट। सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब ए बी सी और डी दिए गए हैं। जवाब की कॉपी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतल्लिका दायरे को मार्कर या पेन से भर दीजिए। एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मस्कूरा जवाब गलत तसव्वुर होगा। सबसे पहले हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 1। 5x² इज इक्वल टू 30x। इसका हल सेट क्या है? इसका हल सेट है 0 और 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, दो दर्जे मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं? तो वो 3 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² माइनस 7x प्लस 1 का आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो वो है 41। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड m इन प्रोपोर्शन 6:m प्रोपोर्शन 9:12। तो इसका आंसर आता है 8। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² देन u इज इक्वल टू kv². क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x+3² इज इक्वल टू x² + 6x + 9। तो उसको हम कहते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 है पॉइंट -1, 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है? तो ये है क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इज, दैट इज यू। जब भी हमने फाई का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फाई का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है कि यू माइनस फाई करना है। तो जब हम फाई में से, फाई मीन्स कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका आंसर डायरेक्टली हमारे पास क्या जाएगा? तो वो यू ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, जब हम स्केल को चेंज करेंगे तो जो हमारा मीन है वो चेंज होगा। 20 डिग्री इज इक्वल टू 1200 मिनट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। A chord passing through a center of a circle is called, तो उसको हम कहते हैं diameter. Question number 13 है, two tangents drawn to a circle from a point outside it are of dash in length. तो ये equal होते हैं length में. Question number 14 है, the arcs opposite to incongruent central angles of a circle are always incongruent. Next है question number 15, how many tangents can be drawn from a point outside the circle? That is 2. ये थे हमारे पास टोटल 15 MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइंस ग्रुप के मैथ का जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।